दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन जूता वाला में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाइक के तीन अपकमिंग शूज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइक डंक लो पैसले पैक की, जो कि दो कलर कॉम्बिनेशन में रिलीज किया जाएगा। पहला स्काई और व्हाइट कलर ब्लॉकिंग में, जिसका टंग व मडगार्ड पार्ट, आईलेट स्ट्रिप, हील स्टेबलाइजर पार्ट स्काई कलर ब्लॉकिंग से लेस किया गया है, और वही रिमेनिंग पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट, टो बॉक्स, मिडसोल व्हाइट कलर ब्लॉकिंग में दिया गया है। और वहीं क्वार्टर पार्ट पर जो नाइक का बड़ा सा स्वूश दिया गया है, वो डार्क कलर में बैंडाना लाइक ग्राफिक्स और टाइनी फ्लावर सिलहूट से ब्लॉक किया गया है। वहीं शू का ही नोज पार्ट भी इसी ग्राफिक्स में डिजाइन किया गया है, जो कि शू में अलग से ही नजर आता है। वहीं नाइक का दूसरा शू फॉरेस्ट ग्रीन व व्हाइट कलर ब्लॉकिंग में दिया गया है। शू की टंग, लेस, आईलेट स्ट्रिप, थ्रोट पार्ट, मडगार्ड पार्ट, टो टिप, हील स्टेबलाइजर सब के सब फॉरेस्ट ग्रीन कलर ब्लॉकिंग में दिया गया है। वहीं शू का रिमेनिंग पार्ट यानी टो बॉक्स, क्वार्टर पार्ट और टॉप लाइन व्हाइट दी गई है, और शू के क्वार्टर पार्ट पर जो नाइक का बड़ा सा स्वूश दिया गया है, उस पर अगेन पैसली पैटर्न दिया गया है, यानी टाइनी फ्लावर्स का डिजाइन प्रिंट कर रखा है। दोस्तों दोनों शू की मिडसोल अगेन व्हाइट देखने को मिलेगी, जिस पर स्टिचिंग कर रखी है व्हाइट मोटे धागे की, और ये व्हाइट मिडसोल और स्टिचिंग आपको नाइक के मैक्सिमम शू में इसी कलर में देखने को मिलेगी, जो कि शू की हेरिटेज सी बन गई है। शू की दोनों टंग पर नाइक का स्टिकर भी देखने को मिलता है, वो भी व्हाइट कलर में। दोनों शू का जो नाइक शूज है, बड़े ही खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं, और दोनों शू में लेदर मटेरियल का वर्क भी देखने को मिलता है, और इस शू में ये नाइक शूज ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नाइक दोनों शू को जल्द ही 2022 में रिलीज कर दिया जाएगा, बट रिलीजिंग की एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता। वहीं अब बात कर लेते हैं थर्ड अपकमिंग शू की, यानी नाइक एसबी डंक लो सेंट पैट्रिक्स डे, जिसकी कलर और आइकॉन्स मैच करते हैं क्लासिक स्केटबोर्डिंग सील हुड से। शू का अपर पार्ट फुली शूड मटेरियल से बना रखा है, जिसका कलर इंस्पायर्ड है क्लोर ग्रीन से, बल्कि शू का पूरा कलर ही ग्रीन शूड मटेरियल से बना रखा है, एक्सेप्ट मिडसोल को, जो कि अगेन व्हाइट और मोटे धागे की स्टिचिंग में देखने को मिलता है। वहीं शू का जो नाइक शूज है, वो गिल्डेड फिनिश के साथ दिया गया है, जो कि ऐसी वाइब देता है जैसे गोल्ड का वर्क कर रखा हो। वहीं टांग पार्ट पे जो नाइक एसबी का स्टिकर स्टिच कर रखा है, वो भी गोल्ड गिल्डेड फिनिश में दिया गया है। दोस्तों नाइक एसबी टीम ने शू के हील लेटरल पैनल पर सैम रॉक्स यानी फ्लावर का डिजाइन प्रिंट कर रखा है, और पीछे की साइड में ही हील नोज पार्ट पर नाइक लेटर की ब्रांडेड भी गोल्ड गिल्डेड पैटर्न में ही दी गई है। दोस्तों शू का जो ये ग्रीन और गोल्ड कलर का कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन है, वो सुपर्ब है, जिसका वर्क मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। शू का शूज ऐसी वाइब देता है जैसे सोने की छड़ी शू में चढ़ा दी गई हो। शू का कलर इतना वाइब्रेंट है कि देखने वाले अपनी नजर नहीं हटा सकते। शू को जल्द ही 2022 में मार्च के आसपास रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगली बार नए शूज और लेटेस्ट अपकमिंग स्नीकर के साथ। टिल देन जुड़े रहिए इंडियन जूता वाला के साथ।